हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली में जो लॉकडाउन लगा है उसमें अगर आपको इमरजेंसी में कहीं ट्रेवल करना है, अगर मान के चलिए आपका फ्लाइट टिकट है या और भी कोई भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं, इमरजेंसी है, आपको कोई ज़रूरी काम से आपको जाना है, तो आप जो है दिल्ली में ट्रेवल करने के लिए किस प्रकार से ट्रेवल पास के लिए आप आवेदन करेंगे, क्या प्रोसेस रहता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और किनको यहाँ पे ट्रेवल पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों को समस्या आ रही है दिल्ली में, आप सबको पता है लॉकडाउन लगा दिया गया है। 26 तारीख तक जो है लॉकडाउन रहने वाला है, ये नोटिस आप सबको मिला होगा। और यहाँ पे जो है ये नोटिस जो है निकाला गया है, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि 26 तारीख तक जो है मंडे तक शाम को 5 बजे तक जो है लॉकडाउन जो है दिल्ली में लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे आपको ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले आप जो है गूगल में आएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। यहाँ पे आने के बाद से आपको एक वेबसाइट मिलेगा dshelpingforever.com, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे इसलिए आना है फ्रेंड्स कि यहाँ से जो है आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन लिंक का। देखिए दिल्ली लॉकडाउन ई पास ऑनलाइन अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने जो है डायरेक्ट लिंक इस वेबसाइट का, मतलब इसका जो है डायरेक्ट लिंक इस पोस्ट का जो है मैंने दे दिया है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप भी यहाँ से ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिंपल जानकारी बताई गई है और यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले लैंग्वेज बोलेगा कि आप जो किस लैंग्वेज में अप्लीकेशन को खोलना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश चूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने ऑलरेडी ई पास के लिए आवेदन किया हुआ है तो आप यहाँ से स्टेटस को चेक कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। अन्यथा आप यहाँ पे इसमें से चूज करेंगे ई पास फॉर ट्रेवल ड्यूरिंग कर्फ्यू, इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने जो है यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आएगा। देखिए इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अगर आपने ऑलरेडी नाइट और वीकेंड कर्फ्यू जो लगा था उसके लिए अगर आपने ऑलरेडी ई पास आवेदन किया हुआ है, आपके पास ई पास है, तो आपको जो है आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, वही जो है 26 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बोला गया है कि ई पास किसको रिक्वायर्ड नहीं है, किसको जरूरी नहीं है ई पास के लिए। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन कोई है तो उनको अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिकल पेपर है, तो वो जो है जा सकती है। उनका जो है यही जो है ई पास के तौर पे काम करेगा। कोई अगर मेडिकल ऑफिसर है, डॉक्टर है, नर्स है, स्टाफ है, उनका अगर वैलिड आईडी कार्ड है जहाँ पे वो काम करते हैं तो उनको वही जो ई पास के तौर पे काम करेगा, उनको ई पास करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी यहाँ पे पर्सन कोई जा रहा है, एयरपोर्ट कोई जा रहा है, कोई रेलवे स्टेशन से आ रहा है या कहीं विदेश से आ रहा है या रेलवे स्टेशन जा रहा है, उसका जो है बस है या ट्रेन है या कोई एयरपोर्ट है जिसकी दिल्ली से फ्लाइट है, दिल्ली से दुबई के लिए या कहीं भी और कंट्री के लिए या किसी भी अलग राज्य के लिए, तो उनका जो है केवल टिकट ही वैलिड रहेगा, उनको जो है ट्रेवल पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर उनके पास ओरिजिनल टिकट है तो वो दिखा के जो है ट्रेवल कर सकते हैं, इसमें आपको ट्रेवल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई स्टूडेंट है, उनका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, तो एग्ज़ाम काफ़ी जगहों पे कैंसिल है, लेकिन काफ़ी जगहों के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं है, तो उस केस में अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, तो वही आपका जो है ट्रेवल पास वैलिड रहेगा उस केस में। तो जो भी स्टूडेंट है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनको यहाँ पे ट्रेवल ई पास यहाँ से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उनका एडमिट कार्ड ही ट्रेवल पास वैलिड रहेगा। उसके बाद से अगर कोई यहाँ पे एग्जामिनेशन स्टाफ है जो एग्ज़ाम ड्यूटी पे जा रहे हैं तो उनको भी उनका वैलिड आईडी काम करेगा ई पास के तौर पे। कोई जुडिशियल ऑफिसर है, इस तरह के जो है आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी पर्सन है उनका यहाँ पे उसका सर्विस आईडी कार्ड ही काम करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया है उनका वैलिड आईडी कार्ड काम करेगा। या देख सकते हैं यहाँ पे और भी यहाँ पे बताई गई जानकारी, जो भी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ फैमिली के लोग हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, मेट्रो के बसेस के जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं उनका यहाँ पे जो है उनका वैलिड आईडी कार्ड ही काम करेगा, उनको ट्रेवल पास बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि किनको ही ट्रेवल पास की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो यहाँ पे एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनके पास कोई वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड नहीं है उनको यहाँ पे जो है ट्रेवल पास बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी। और बोला गया है कि अदर पर्सन जो है यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे, उनको जो है घर पे रहना है, स्टे सेफ एंड स्टे होम। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ठीक है ना। तो आप जहाँ भी रहते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, अभी फिलहाल आप कहाँ पे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस ऑफ ऑफिस या प्लेस या एंगेजमेंट, आपको पूरा अपना एड्रेस यहाँ दिल्ली में जहाँ भी आप हैं वहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे। टाइप ऑफ सर्विस, आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार की सर्विस, मतलब जो भी एसेंशियल लोग हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे ट्रेवल पास बनाई जाएगी। तो इसमें से आपको जो है चूज करना है, जो भी आपका एसेंशियल है
उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फ्रॉम डेट, मतलब कब से कब तक आपको जो है चाहिए ट्रेवल पास, ये यहाँ पे जो है आपको डेट चूज करनी है, टाइमिंग भी आपको चूज करना है कब से कब तक। उसके बाद से आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ भी आपको यहाँ पे लगानी है, जो भी आपका वैलिड आईडी प्रूफ है यहाँ पे बोला गया है, जैसे आधार कार्ड हो गया, गवर्नमेंट इशू कोई भी आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको लगानी है। और उसके बाद से यहाँ पे आपको बोला गया है कि लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर या ऑनर ऑफ फीम आउटलेट, तो आपका जो भी ऑनर है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका एक लेटर हैंडपैड भी आपके आपको यहाँ पे लगाना होगा, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन करके लगाना है। इसको टिक करेंगे और सबमिट करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स आपके सामने जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके सामने जो है एक नंबर जनरेट होगा, उस नंबर को आप नोट डाउन कर लेंगे और जैसे ही फ्रेंड्स दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा चेक करके आपको ट्रेवल ई पास जो है वैलिड जारी किया जाता है, तो उसके बाद से आपको मोबाइल पे SMS आ जाता है और आपको जो यहाँ से क्लिक स्टेटस पे चेक करके आप क्या करेंगे उस नंबर को लिखेंगे यहाँ पे, जो भी आपके पास ट्रेवल आईडी का नंबर मिला है वो लिखेंगे और लिख के जो है स्टेटस को चेक करेंगे, जो 7 कैरेक्टर का एक ट्रेवल आईडी पास आईडी होता है, और यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ट्रेवल पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों केसेस बताया फ्रेंड्स, किसको ट्रेवल पास बनवानी है किसको नहीं बनानी है, तो आप यहाँ से जो है एक बार पढ़ लेंगे, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर रखा है इस वेबसाइट पे। कभी कभी क्या है कि वेबसाइट काम नहीं कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो है DS हेल्पिंग फॉरएवर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं, अन्यथा यहाँ से भी आपको मिल जाएगा सेम वही वाली प्रोसेस, लेकिन कभी कभी ये वाली वेबसाइट जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो आप जो है इस वेबसाइट से आ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS सर्विंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।